वेलकम टू माय चैनल पापिया कुकिंग रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस एंड फेमस बंगाली स्ट्रीट फूड कॉल्ड मुगलाई पराठा, और आज हम इसे चिकन कीमा के साथ बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है चिकन कीमा मुगलाई पराठा। पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर और मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून और वाटर एज पर रिक्वायर्ड। पराठे के स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम चिकन कीमा, आप चाहे तो मटन बीफ किसी का भी कीमा ले सकते हैं। ऑनियन लिया है 2 मीडियम साइज, कीमे में हम हाफ ऑनियन यूज़ करेंगे और बाद बाकी हाफ जो है वो एग स्टफिंग के टाइम पे हम यूज़ करेंगे। ग्रीन चिली है, ये टेस्ट के हिसाब से ही है। ऑयल हमने लिया है 3 टेबलस्पून। मसाला में हमने लिया है 1 पिंच टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। और इसके बाद हमें एग स्टफिंग के लिए चाहिए, जैसे कि हम 2 पराठा बना रहे हैं इसीलिए हमें 2 एग्स चाहिए, थोड़ा सा करियंडर लीव्स चाहिए और 1/2 कप ऑनियन चॉप चाहिए। ये मैदा का डो बन गया, अभी हम इसे ढक के 30 मिनट्स के लिए रेस्ट कर लेंगे। कीमा बनाने के लिए हम अभी पैन को गरम करके इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल भी थोड़ा गरम हो गया, अभी इसमें हम ऑनियन डाल देते हैं। ऑनियन को ब्राउन करके फ्राई करना है, एकदम ब्राउन कर लेना है इसे। ऑनियन जो है इसका कलर चेंज हो गया, अभी इसमें हम सारे जो मसाला है इसे डाल देते हैं। मसाला को सारे मसाला जो है अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला ऑनियन के साथ मिला दिया, अभी 1 मिनट के लिए इसे हम स्टेयर कर लेते हैं। 1 मिनट हो गया, अभी इसमें हम ये जो कीमा है ये डाल देते हैं। कीमा को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। इसे हम कीमा का जो कलर है उसे चेंज होने तक ऐसे ही भूनेंगे लो फ्लेम में। हमारा जो कीमा है ये अच्छे से भून चुका है, अभी इसमें हम बाकी का जो ऑनियन था वो डाल देते हैं। इसके साथ जस्ट मिलाना है, अभी इसमें हम ग्रीन चिली को मिला लेते हैं। ये भी मिक्स्ड हो गया। कोरिएंडर लीव्स जो हैं इसे भी हम इसके साथ मिला देते हैं। ये जो एग था इसे हम अच्छे से बीट कर लिया और अभी हम इसे इसके साथ मिला लेते हैं। अभी गैस को टर्न ऑफ करके ठंडे होने के लिए रख देते हैं। अभी हम पराठा बना लेते हैं। ये देखिए, इसे एकदम पतला करके ऐसे बेल लिया। अभी हम पराठा में स्टफिंग डालेंगे। ये स्टफिंग जो है इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। अभी हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, इसे ऐसे अच्छे से।
ये जो है फोल्ड कर लिया। अभी हम इसे फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डालते हैं। ऑयल गरम हो गया, अभी हम ये जो पराठा है इसे डाल देते हैं। लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक साइड हो गया, अभी दूसरे साइड को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। मिडल में हम एक बार चेक कर लेते हैं ये जो अंदर जो एग है वो फ्राई हो चुके हैं कि नहीं। ये देखिए एग्स का कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये अंदर अच्छे से पक गया है। हमारा पराठा भी रेडी हो गया। अभी हम दोनों साइड एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गया हमारा पराठा, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये अभी सर्व करने के लिए रेडी है। हमारा कीमा मुगलाई पराठा रेडी है। सलाद, ग्रीन चटनी, केचप और स्पाइसी पोटैटो करी के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मेरा आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।